हेलो दोस्तों, EFT प्रो टूल का शानदार अपडेट आया था, परसों आया था MediaTek Qualcomm SPD के ऊपर। ये अपडेट अगर सभी टूल में आता है तो हमारा लगभग 90% काम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा। हालांकि अभी ये EFT ने दिया है, क्या है पूरा अपडेट ये वीडियो में हम देखेंगे। सबसे मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, EFT प्रो टूल ने सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है, चाहे वो Qualcomm हो, MediaTek हो, SPD CPU हो। कैसा अपडेट किया है वो पूरा मैं अपडेट और टूल में आपको बता दूंगा। सबसे पहले अपडेट देख लेते हैं, ये रहा अपडेट। और अपडेट जो है ये हुआ था रोल आउट 10/9/2024 को, और ये है अपडेट इसकी पोस्टर। अपडेट पोस्टर में सबसे पहले इनका वर्जन है EFT प्रो डोंगल अपडेट वर्जन 4.8.3 रिलीज ऑन Qualcomm MTK SPD एडेड ऑटो सपोर्ट, मतलब ऑटोमेटिक सब कुछ आपका कर देगा। ऑटोमेटिक कैसे इन्होंने लिखा है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। और ये अभी अपडेट अदर किसी टूल में नहीं है। अगर अनलॉक टूल में यही अपडेट आ जाता है, UMT में यही अपडेट आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा, कैसे वो भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है अपडेट में एडिट ऑटो सपोर्ट फॉर्म MTK SPD और Qualcomm, जो कि बीटा मोड में, मतलब ये अभी हाल टेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद फाइनल अपडेट दे देंगे। इम्प्रूव रीड इन्फो SPD Qualcomm MediaTek अपडेट प्रोटोकॉल अपडेट किया है, प्रोटोकॉल अपडेट किया है। और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट दी मोबाइल ब्रांड एंड सेलेक्ट दी अप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, मतलब ऑटोमेटिक ब्रांड भी सिलेक्ट कर लेगा, वो सब सेलेक्ट कर लेगा, आपको सिर्फ मोबाइल को कनेक्ट कराना है। और ऑटोमेटिक MediaTek का भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक मतलब आपको मोबाइल से कनेक्ट कराना है वो ऑटोमेटिक सब कुछ आपका करके दे देगा। FRP अगर करना है तो FRP पे क्लिक कीजिए, अनलॉक करना है तो अनलॉक पे क्लिक कीजिए, फ्लैश करना है तो फ्लैश पे क्लिक कीजिए। जैसे ये लिखा है ऑटो MTK रीड इन्फो FRP मोबाइल फैक्ट्री रीसेट फ्लैश, ऑटो SPD में भी सेम आप प्रोसेस कर सकते हैं, रीड इन्फो FRP फैक्ट्री रीसेट और फ्लैश। Qualcomm में भी सेम यही है ऑटो। और MTP में ये हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ऑटो की बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक है क्या। जैसे मैं आपको अनलॉक टू में बताता हूँ, सपोज आपके पास अनलॉक टू एक है, रेडमी का Note 7 या Y2 मोबाइल आया जिसमें MI अकाउंट लॉक है और उसमें Qualcomm CPU Y2 में Qualcomm CPU है, तो हम जाएंगे यहाँ पे Qualcomm में जाएंगे, यहाँ पे Y2 सिलेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे Y2 और ये सिलेक्ट किया और EDL पॉइंट्स को शॉर्ट करके केबल लगाएंगे तो यहाँ पे Qualcomm का पोर्ट आ जाएगा। फिर हमें जो कुछ भी करना है, चाहे वो FRP हो, फैक्ट्री सेट हो, या हमारे अकाउंट हो, या फ्लैश करना हो, फिर वो हम करेंगे। लेकिन EFT ने इसके मतलब बहुत आगे चला गया EFT, अब यहाँ पे हमें मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे अगर आप Qualcomm में जाके भी यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे भी आपको MI अकाउंट हटाना है, फ्लैश करना है, तो यहाँ पे पहले मॉडल सेलेक्ट करना रहता है। ये मैं Qualcomm की बात कर रहा हूँ। तो EFT ने जो अपडेट दिया है वो यहाँ पे ये है कि आपको सीधा मोबाइल को कनेक्ट कराना है और डायरेक्ट जो है आपको जो भी परफॉर्म करना है, चाहे वो FRP हो, MI अकाउंट हो, फ्लैश हो, डायरेक्ट आप फ्लैश मोबाइल को कनेक्ट कीजिए Qualcomm मोड पे, फ्लैश पे क्लिक करना है तो फाइल सेलेक्ट करके फ्लैश पे क्लिक कीजिए, MI अकाउंट करना है MI अकाउंट पे, FRP करना है FRP पे, आपका हो जाएगा, मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे SPD के साथ में भी होता है, अगर Spectrum CPU वाला आपके पास कोई मोबाइल आता है तो आपको यहाँ पे अनलॉक टूल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको वो मॉडल सेलेक्ट करना रहता है, वो ब्रांड पहले, फिर वो मॉडल, और फिर आपको जो है FRP करना है, तब जाके आपका होता है। लेकिन SPD में भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, सिर्फ आपको मोबाइल को कनेक्ट कराना है। Qualcomm तो टेस्ट पॉइंट से होता ही है, SPD वॉल्यूम अप डाउन से हो जाता है, टेस्ट पॉइंट से भी हो जाता है, और MediaTek जो है वॉल्यूम अप डाउन से हो जाता है। मोस्टली 90% मोबाइल किसी भी ब्रांड का हो, वॉल्यूम सर्व करके वॉल्यूम बटन को दबा के रखेंगे, केबल लगाएंगे, MediaTek कनेक्ट हो जाता है। SPD भी सेम इसी मेथड से होता है, कुछ मोबाइल टेस्ट पॉइंट से होते हैं SPD के, और Qualcomm तो हमेशा टेस्ट पॉइंट से होता ही है। सैमसंग का EDL केबल को अगर छोड़ दें तो सभी मॉडल सेम Qualcomm CPU मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, वो टेस्ट पॉइंट से ही आपको Qualcomm मोड पे कनेक्ट करना रहेगा। तो ये है पूरा अपडेट कि यहाँ पे जो है अदर टूल में हमें ब्रांड सेलेक्ट करना रहता है, मॉडल सेलेक्ट करना रहता है, लेकिन EFT ने अपडेट जो दिया है ये देखिए, उन्होंने बताया है यहाँ पे जो अपडेट है ये लिखा ऑटो। ऑटो पे आप टिक लगाएंगे, सपोज रेडमी का Y2 है, या यहाँ पे जो उन्होंने किया है नोकिया TA-1352 है, तो इसमें SPD CPU है, आप सीधा यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करेंगे। अब FRP हटाना है, FRP पे क्लिक करेंगे और मोबाइल को वॉल्यूम डाउन की से कनेक्ट कराएंगे, आपका FRP हो जाएगा,
कोई मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी यही इनका मेंशन है, ऑटो कनेक्ट मीडियाटेक एसपीडी क्वालकॉम बीटा। अब मीडियाटेक का है तो ऑटो प्रोटेक लगाएंगे, कोई सा भी मॉडल हो, चाहे टेक्नो का हो, इन्फिनिक्स का हो, सैमसंग का हो, वीवो का हो, सपोर्ट होना चाहिए इसमें। एफ आर पी टाने एफ आर पी क्लिक किया और मोबाइल को स्विच करके वॉल्यूम डाउन की दबा के रखा, केबल लगा दी, तो ई एफ टी में यहाँ पे आपका जो है अगर सपोर्ट होगा तो वो एफ आर पी हटा देगा। एक ये हो गया एस पी डी का, सेम मीडियाटेक का भी है, ये इन्होंने ओप्पो का ये 17 इसमें मीडियाटेक सीपीयू ये बताया। और क्वालकॉम का है तो क्वालकॉम में आपको जो है क्वालकॉम मोड पे पहले मोबाइल कनेक्ट कराना है, टेस्ट पॉइंट से ऑटो पे जाएंगे, मॉडल वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा एफ आर पी पे क्लिक किया आपका एफ आर पी हो जाएगा, पासवर्ड अनलॉक करना है वो हो जाएगा, फ्लैश करना है तो यहाँ से ही आप फ्लैश भी कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने दो तीन मॉडल हैं, ये देखिए रेडमी नोट 6 प्रो ऑटो डिटेक्ट डन, और ओप्पो ये 17 किया है, और नोकिया का 13 सी 20 इन्होंने टेस्ट कर लिया है। और नहीं तो इसके पहले क्या करना रहता था आप, जैसे क्वालकॉम का है या साउमी रेडमी का है तो हम साउमी के टैब में जाएंगे, फिर यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे Y2, फिर जाके आपको करना रहता था, लेकिन यहाँ पे अब जो है ऑटोमेटिक कर दिया। तो ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि अब आपको कोई मॉडल वगैरह सेलेक्ट नहीं करना, ना कोई ब्रांड सेलेक्ट करना, सीधा एक ही टैब में जो कि ये ऑटो है यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। और अदर टूल में ये अपडेट नहीं है, बाकी मैं आपको अगर अनलॉक टूल की बात करूँ तो क्वालकॉम में है तो आपको प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट करना रहता है, एसपीडी है तब भी प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट करना रहता है, और अगर मीडियाटेक है तो यहाँ पे जिस ब्रांड का है उसका आपको मॉडल भले ही सेलेक्ट ना करना रहे, लेकिन आपको जैसे वीवो का है वीवो का प्री ऑर्डर, सैमसंग का है सैमसंग का प्री ऑर्डर, टेक्नो का है तो टेक्नो का प्री ऑर्डर, ओप्पो का है तो ओप्पो का प्री ऑर्डर, और शाओमी का है तो शाओमी का प्री ऑर्डर सेलेक्ट करना रहता है, तब जाके आपका मीडियाटेक में भी होता है, ऑटोमेटिक नहीं है जैसा ईएफटी ने दे दिया। तो ये सबसे ज़बरदस्त अपडेट लगा, और ये अपडेट सभी टूल में आना चाहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि मॉडल वगैरह वो खुद सेलेक्ट करे, हमें सिर्फ क्या है मॉडल कनेक्ट कराना है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है जो टूल ने हमें खुद मतलब अपडेट में उन्होंने खुद बताया है कि अगर आपका जो है ऑटोमेटिक आप डिटेक्ट कराते हैं और एक बार में एरर आ जाता है तो आपको मोबाइल को दोबारा से ऑन करना है। सपोज़ मेरे पास भी MI का कोई मॉडल है या फिर वीवो का कोई मॉडल है, सपोज़ Y12 मान लेते हैं, तो Y12 है, मैंने ऑटो पे टिक लगा के रखा है, FRP है, मोबाइल कनेक्ट कराया, FRP में एरर दे दिया, ये यहाँ पर उन्होंने बताया है जो एरर दे दिया, तो एरर के बाद हमें क्या करना है, मोबाइल को डिसकनेक्ट करना है, फुल्ली ऑन करना है, दोबारा से सेम तरीके से फिर से कनेक्ट कराना है, फिर से एरर आया, फिर से सेम मेथड से फिर से कनेक्ट कराना है, मतलब वही मेथड पे अगर एक बार आपका एरर आ जाता है तो आपको दो तीन चार बार ट्राई करना है। इससे होगा क्या कि टूल जो है ऑटोमेटिक पहले एक लोडर चलाएगा जो कि ओल्ड वाला होगा हो सकता है, फिर दूसरा लोडर लगा के देखेगा, तीसरा लोडर लगा के देखेगा, मतलब टूल में जितने लोडर हैं वो 4 से 5 बार में सभी लोडर लगा के देख लेगा कि हो सकता है ये मॉडल हो, ये लोडर काम कर जाए, और वो ऑटोमेटिक खुद से डिटेक्ट करेगा, आपको लोडर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी उन्होंने अपडेट में बता दिया, और ये भी अच्छी बात है कि एक ही बार में आपका अगर नहीं होता है तो आपको 2-3 बार ट्राई करना है, जिससे टूल अलग अलग लोडर को ट्राई कर सके। और इफ़ यू इनकाउंटर इन प्रॉब्लम अपडेट यू कैन डाउनलोड दिस वर्जन, और उन्होंने बताया कि ये वर्जन है ये डाउनलोड कर लीजिएगा 4.8.3, और ऑन सम डिवाइसेस द डोंगल एंड मे ट्राई मल्टीपल लोडर अंटिल फाइंड द करेक्ट वन, दिस फोन मस्ट बी रिस्टार्ट विद ईच अटेम्प्ट। वही मैंने आपको बताया, जब एक बार में अगर एरर आता है तो आपको मोबाइल को प्रॉपर ऑन करना है, फिर स्विच ऑफ करना है, फिर कनेक्ट कराना है, फिर दूसरी बार में भी नहीं होता तो तीसरी बार फिर आपको सेम यही मेथड फिर से ट्राई करनी है। और एक और है यहाँ पे MTP मोड पे, MTP मोड में ऑन कंडीशन मोड पे जब हम अगर FRP नहीं हो रही किसी टूल से तो हम उसकी बाईपास करते हैं ना, क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, पहले क्रोम में जाएंगे, फिर बहुत सी है एड्रोम वगैरह, वहाँ पे जाके लॉक डालेंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे, अदर अलग अलग ऐप इंस्टॉल करेंगे जिससे FRP बाईपास हो जाए। तो वही अपडेट है यहाँ पे, अपडेट ई इंटरनेट FRP ओपन ब्राउजर ऑल ब्रांड विदाउट चेंज ड्राइवर। अगर आपको ये अपडेट अनलॉक टूल में भी है, अगर आपको जैसे सैमसंग का FRP बाईपास करना है तो हम सैमसंग टैब में जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा रहता है, ये है FRP बाईपास, तो ये सैमसंग के लिए अलग ड्राइवर लगता है, वीवो में भी यही है, MI में भी यही है, तो ये ड्राइवर जो है आपको MTP ड्राइवर इंस्टॉल करने रहते हैं अगर आपको ओपन ब्राउजर से FRP बाईपास करना है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर बता दिया अपडेट ई FRP ओपन ब्राउजर ऑल ब्रांड विदाउट चेंज ड्राइवर,
मतलब इन्होंने ड्राइवर डाल दिया है, एक ही बार में जब ये इंस्टॉल करेंगे आप, ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा तो एक ही जगह पे आपके सभी के ओपन ब्राउज़र FRP बायपास हो जाएगा अगर उसमें सपोर्ट होगा तो। जैसा कि हम करते हैं कई बार, मतलब जो मॉडल नहीं होता है FRP बायपास, तो बायपास करने में बहुत टाइम लग जाता है, अलग अलग मेथड ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, चाहे वो वीवो का हो, सैमसंग का हो, टेक्नो का हो, MI का हो, डायरेक्ट ब्राउज़र ओपन करके आपको दे देगा। फिर आपके जो मेथड है, कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, कौन सी नहीं करना, ये सब फिर आपको ट्राई करना है। बाकी ये आपको सिर्फ क्या है, EFRP के लिए ओपन ब्राउज़र करके दे देगा। तो ये मुझे सबसे बेस्ट अपडेट लगा अभी तक का EFT की तरफ से, कि आपने सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया। ठीक है, मॉडल सेलेक्ट नहीं करना, लेकिन हमें ये मालूम है कि मोबाइल डेड नहीं होगा, एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार ट्राई करेंगे, चौथी बार ट्राई करेंगे, फिर नहीं होता है, मतलब टूल में सपोर्ट नहीं है। और ये अपडेट सभी टूल में आया तो बेस्ट रहेगा, अनलॉक टूल में आया, क्योंकि अनलॉक टूल में हमें बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं। अब जैसे आप MI का ही देख लें, सैमसंग, बहुत सारे मॉडल हैं। अगर एक बार ऑटो का अपडेट आया तो हम सिर्फ ऑटो पर टिक लगाएं, मोबाइल कनेक्ट कराएं, सपोर्ट होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो एरर दे देगा, सीधा कस्टमर को वापस दे दें या एजेंट को देखें कि एजेंट से कराना है। तो अपडेट सबसे बेस्ट है अभी तक का EFT की तरफ से, जो ऑटोमेटिक उन्होंने दिया। हालांकि बीटा मोड पे इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आएगा जो फाइनल अपडेट होगा, और जो इसमें बग वगैरह होंगे वो भी रिजॉल्व कर देगा EFT प्रो डोंगल। बाकी अपडेट आपको कैसा लगा, जो मैंने आपको बताया वो आपको कुछ समझ में आया हो, अगर हेल्प लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे वीडियो डालूं और अच्छे तरीके से आपको बता पाऊं। तो बस यही था, थैंक यू।